अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल डिजिटल फैसिलिटी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज के ताज़ा तरीन सऊदी रियाल के एक्सचेंज रेट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के लिए। आज आपको सऊदी अरब के मुख्तलिफ बैंकों से एक रियाल ट्रांसफर करने पर क्या रेट मिलेगा, तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आज कौन सी बैंक सबसे अच्छा रेट दे रही है। और फ्रेंड डेली बेस पे सऊदी रियाल की ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें और फ्रेंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड देखते हैं आज सबसे पहले वेस्टर्न यूनियन के जो कि पाकिस्तान के लिए एक रियाल का दे रहा है 73.38 रुपए, इंडिया के लिए 22.04 रुपए, बांग्लादेश 31.58 रुपए और नेपाल के लिए रेट होगा 35.63 रुपए। फ्रेंड बात करें एसटीसी पे की तो पाकिस्तान के लिए दे रहा है 73.47 रुपए, इंडिया के लिए 21.96 रुपए, बांग्लादेश 31.63 रुपए और नेपाल के लिए रेट होगा 35.53 रुपए। फ्रेंड यूआर पे पाकिस्तान के लिए दे रहा है 73.11 रुपए, इंडिया के लिए 22.06 रुपए, बांग्लादेश 31.55 रुपए और नेपाल के लिए रेट होगा 35.56 रुपए। फ्रेंड अल राजी बैंक आज पाकिस्तान के लिए दे रहा है 73.24 रुपए, इंडिया के लिए 22.08 रुपए, बांग्लादेश 31.75 रुपए और नेपाल के लिए रेट होगा 35.58 रुपए। फ्रेंड बात करें टिकमो ऐप की तो पाकिस्तान के लिए दे रहा है 73.45 रुपए, इंडिया के लिए 22.04 रुपए, बांग्लादेश 31.69 रुपए और नेपाल के लिए रेट होगा 35.54 रुपए। फ्रेंड इंजाज बैंक आज पाकिस्तान के लिए दे रहा है 73.18 रुपए, इंडिया के लिए 22.12 रुपए, बांग्लादेश 31.80 रुपए और नेपाल के लिए रेट होगा 35.43 रुपए। फ्रेंड एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए दे रहा है 72.78 रुपए, इंडिया के लिए 22.09 रुपए, बांग्लादेश 31.76 रुपए और नेपाल के लिए रेट होगा 35.52 रुपए। फ्रेंड बात करें फौरी बैंक की तो पाकिस्तान के लिए दे रहा है 73.37 रुपए, इंडिया के लिए 22.14 रुपए, बांग्लादेश 31.63 रुपए और नेपाल के लिए रेट होगा 35.48 रुपए। तो फ्रेंड लास्ट में जानते हैं एसएनबी क्विक पे के रेट है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक रियाल का दे रहा है 73.02 रुपए, इंडिया के लिए 21.94 रुपए, बांग्लादेश 31.18 रुपए और नेपाल के लिए रेट होगा 35.22 रुपए। तो फ्रेंड ये थे आज के सऊदी रियाल के ताज़ा तरीन एक्सचेंज।